दोस्तों, मैं हूं संतोष निकमर। मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पे, जिसका नाम है बैक बेंचर्स ऑफ स्टॉक्स। चलिए गाइस, शुरू करेंगे आज के वीडियो को। कल जो भी मैंने आप लोगों को बैंक निफ्टी निफ्टी के लेवल्स दिए थे, इनके साथ में आज गाइस आप लोग को ज़रूर दिखाना चाहूँगा ये चीज़, क्योंकि मैं क्यों मेरे लेवल्स को मैजिकल लेवल्स बोलता हूँ। देखिए गाइस, आज के दिन में कहाँ से फॉल शुरू हो गया था, 35,000 से एग्जैक्टली इसी लेवल पर बैंक निफ्टी जो है फ्यूचर के चार्ट पे ओपन हो गई थी, और साथ में यहीं से फॉल आना शुरू हो गया था। एक छोटा सा स्विंग लिया था उसने, कौन से लेवल से लिया था एग्जैक्टली, जो लेवल आप लोग को दिया था 34,801 का, और 35,000 से लेके गाइस लगातार निफ्टी जो है वो हर एक इस पैटर्न को कहते हैं बियर फ्लैग। हर एक बियर फ्लैग के पैटर्न के साथ में निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी जो है, वो गिरावट आ रही थी इसमें। इसीलिए आप लोग को प्राइस एक्शन जो है गाइस वो आना ज़रूरी होता है। अगर आप लोगों को प्राइस एक्शन पता है तो आप लोगों को पता है गाइस एग्जैक्टली ट्रेड कहाँ पर करना है, किस लेवल पर करना है, कौन से साइड में करना है। मैंने अपने प्रीमियम ग्रुप में गाइस सिर्फ एक सीई की कॉल दी थी अर्ली मॉर्निंग में, जो कि एक्टिवेट नहीं हो गई थी। पी साइड में काफ़ी अच्छा ब्लास्ट आया था, हम लोग को काफ़ी अच्छा मोमेंटम मिला था, ऑलमोस्ट 203 पॉइंट्स मिले थे हम लोग को पहले ही ट्रेड में हमारे, जो कि मैं इसी लेवल के बेसिस पे दिया था। उसके बाद में गाइज फिर बैंक निफ्टी में जो है वो थोड़ा बहुत हल्का सा मोमेंटम आ गया था इस लेवल पे और फिर इस लेवल पे, लेकिन हम लोग इंटरेस्टेड नहीं थे क्योंकि हम लोगों ने 203 पॉइंट्स सिर्फ एक ही कॉल में बुक किए थे और वो मोर देन इनफ थे हम लोग के लिए। उसके बाद में गाइज जो भी मैंने आप लोगों को निफ्टी के फ्यूचर के लेवल्स दिए थे, उस हिसाब से 15,700 के नीचे मैंने आप लोगों को कहा था कि गाइज बैंक निफ्टी जो है वो वीक हो जाएगी। मैंने आप लोगों को लेवल दिए थे गाइज 15,669, 15,638, 15,609, 15,559। तो 15,609 तक का लेवल इसने अचीव किया था और इस लेवल से इसने रिवर्सल लिया था। काफ़ी शानदार मोमेंटम था आज निफ्टी में भी, ट्रेंडिंग था, और ट्रेंडिंग होने के बाद में फिर दोपहर के बाद में वो थोड़ा बहुत साइडवेज चला गया था, या फिर मैं ऐसा कहूँगा कि आप लोगों को यहाँ पे मोमेंटम तो दिख रहा है लेकिन ऑप्शन के चार्ट्स में नहीं दिखेगा। अब गाइज मेरे हिसाब से अगर आप लोग मेरी राय लोगे तो फिर जैसे कि आप लोग को पता है कि कल के दिन के लिए छुट्टी है, 22 के लिए हम लोग ये एपिसोड बना रहे हैं, और 22 जो है वो रहेगा हमारा एक्सपायरी वाला दिन। तो गाइज इसको 22 आज तो थोड़ा मार्केट ट्रेंडिंग था, यानी कि उसको एक्सपायरी वाले दिन जो है वो प्रीमियम डिके करना है। अगर आप लोगों ने प्रीमियम के प्राइसेस देख लिए होंगे सीए और पीए के, तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि दोनों साइड के प्रीमियम जो है अभी भी हाई है। तो या तो गाइज एक्सपायरी वाले दिन एक्सट्रीम वॉलीटिलिटी रहेगी, या तो फिर मार्केट जो है टाइम डिके करने के लिए साइडवेज रहेगा। तो फिर मेरे हिसाब से ज़्यादा एक या दो ट्रेड बनेंगे पूरे दिन भर में एक्सपायरी वाले दिन। मैं वेट करूँगा किसी कन्फर्म अपॉर्चुनिटी की, या फिर मैं एक्सपायरी वाले दिन मार्केट से साइड में रहूँगा। मैं वेट करूंगा किसी और अपॉर्चुनिटी का, स्टॉक ऑप्शन का कहोगे या फिर किसी स्टॉक रिलेटेड ट्रेड का मैं इंतज़ार करूंगा, वहां पे ट्रेड करूंगा। मैं जब तक मुझे एक्सट्रीम लेवल पे कंफर्मेशन नहीं मिलता है बैंक निफ्टी निफ्टी ऑप्शन का, तब तक मैं एक्सपायरी वाले दिन इसमें ट्रेड नहीं करूंगा। तो गाइज अभी हम लोग देखेंगे कल के दिन के लिए जो मैंने आपको कॉल्स दिए थे, मतलब कल के वीडियो में आज के दिन के लिए जो भी दिए थे उनके परफॉर्मेंस क्या थी। तो पहली कॉल थी गाइज गोदरेज सीपी की। गोदरेज सीपी को आप लोग को 1560 के नीचे सेल करना था गाइज, और देखिए इसने कितना शानदार लो लगाया अराउंड 1518 का। 60-18 काफ़ी शानदार मोमेंटम था इंट्राडे में। लोग कई बार ऐसे मोमेंटम के लिए होल्ड करके रख देते। तो गाइज ग्रासिम जो थी वो मेरी सेकेंड कॉल थी। तो ग्रासिम में देखिए गाइज यहाँ पे सस्टेन बेसिस पे अगर आप लोगों ने फर्स्ट कैंडल पे भी बाई किया होगा, मतलब फर्स्ट कैंडल कंप्लीशन पे, तो भी आप लोगों को टारगेट वन टारगेट टू मिला था। उसके बाद में गाइज देखिए यहाँ पे नीचे के साइड में मैं आप लोगों को फिर से और एक बार एंट्री मिल गई थी, जिसमें भी टारगेट वन टारगेट टू था, लेकिन एक्सट्रीम कंफर्मेशन वाला जो कॉल था वो ये कंसोलिडेशन जोन की वजह से था। 1562 के इस लेवल पे था, साथ में ये छोटा सा कैंडलस्टिक, इनसाइड कैंडलस्टिक का पैटर्न मैं कहूँगा, ये दो पैटर्न्स यहाँ पे बने थे इस लेवल पे। मैं कहूँगा कि अगर मैं आपकी जगह पे होता तो मैंने सिर्फ ये एक ट्रेड किया होता। बाकी वैसे आप लोग को दोनों साइड में कैंडल क्लोज हो गई थी, आप लोग को एंट्री भी मिली थी और आप लोगों को टारगेट भी मिले थे बोथ द साइड में, लेकिन जो प्रो ट्रेडर्स होते हैं वो छोटे मोटे कैंडल्स पे बाय नहीं करते, कई सारी चीज़ों को साथ में अप्लाई करके ट्राई करते। तो इसमें तीन ट्रेड बने थे, तीनों के तीनों में आप लोग को किसी में भी लॉस नहीं हुआ, प्रॉफिट ही है। लेकिन मेरे लिए गाइज ये लेवल पे जो ट्रेड बन रहा था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने इस लेवल पे ट्रेड किया रहता था। 1561 से लेके 1581 का मैंने आप लोग को लेवल दिया था,
बियॉन्ड द टारगेट गया था डेफिनेटली आप लोगों को यहाँ पे। और देखिए फिर से यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल फॉर्मेशन बना था, इस लेवल पे मैं अपना स्टॉप लॉस कहीं पे ट्रेल कर देता था और वो जाते जाते हिट करके एटलीस्ट मुझे टारगेट 3 जो है वो आराम से देके चला जाता था। तो डेफिनेटली ग्रासिम का जो कॉल था ये भी काफ़ी अच्छा चला है, ग्रासिम का कॉल। जो थर्ड कॉल थी गाइज मेरी वो थी औरोबिंदो फार्मा की, यानी कि औरो फार्मा की। औरो फार्मा को गाइज अगर आप लोग ठीक से देखोगे तो ये थी पहली कैंडल, इसके क्लोजिंग के बेसिस पे अगर भी आप लोगों ने ट्रेड किया होगा यहाँ पे तो आप लोगों टारगेट 1 और क्लोज टू टारगेट 2 चला गया था। बाद में स्विंग लेने के बाद में अगर आप लोग से मिस भी हो गया तो भी गाइज देखिए फिर से सेम वाला पैटर्न आप लोग को मिल गया था। यहाँ पे भी कैंडल क्लोज हो गई थी, आप लोग को इसी लेवल के बाई की एंट्री मिली थी 970-975, क्लोज टू थर्ड टारगेट चला गया था ये। थर्ड टारगेट के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया था, यहाँ से रिवर्सल हो गया था, लेकिन एटलीस्ट दो टारगेट और उसके ऊपर अराउंड 978 आपको काफ़ी अच्छा खासा मोमेंटम इंट्राडे में और औरोबिंदो फार्मा में भी दिया है गाइस। इसके साथ में मैंने आप लोग को अभी कल के दिन के लिए जो भी मैंने आपको बैंक निफ्टी निफ्टी के लेवल्स दिए थे इनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, साथ में मैंने 3 टारगेट्स दिए थे, बेहतरीन कॉल्स थे तीनों के तीनों गाइस। और ये एपिसोड नंबर 81 था, 81 एपिसोड तक हमारा कोई स्टॉप लॉस हिट नहीं है, सारे के सारे जो कॉल्स है वो ब्लास्टर कॉल्स है, क्योंकि मैं सारे कॉल्स जो अपने जो एनालिसिस मैं अपने प्रीमियम सर्विसेज के लिए करता हूँ उसी में से 3 कॉल्स निकाल करके आप लोग के लिए देता हूँ। तो 81 एपिसोड तक हमारा कोई स्टॉप लॉस हिट नहीं है, 365 डेज मेरा टारगेट रहेगा कि हम लोग ऐसी तरह से एपिसोड्स को कंटिन्यू करते रहे। तो गाइज अभी हम लोग देखेंगे कल के दिन के लिए जो भी मेरे बेहतरीन कॉल्स रहेंगे वो क्या रहेंगे। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं गाइज तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी मैं यहाँ पे डेली बेसिस पे वीडियोस पोस्ट कर रहा हूँ, अब इसकी एक्यूरेसी क्या है आप लोग देख रहे हैं, मैं अलग से कुछ बता नहीं पाऊँगा इसके ऊपर, लेकिन ऐसी सर्विसेज आप लोग को प्रीमियम ग्रुप्स में बहुत कम बार मिलेगी। अगर आप लोगों ने ऑब्जर्व किया रहेगा किसी के इंट्राडे के जो भी स्टॉक्स देते हैं प्रीमियम सर्विसेज रहते हैं उसकी एक्यूरेसी क्या है अगर आप लोगों ने ऑब्जर्व किया रहेगा तो आप लोगों को सारी चीज़ें पता है। तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट में एंजॉय कर लीजिए, इसका कोई चार्ज भी नहीं है, बस आप लोग को डेली बेसिस पे आना है, ये वीडियो देखना है, जो भी लेवल्स दे रहा हूँ ये लेवल्स को आप लोगों को अपने चार्ट्स पे अप्लाई करना है और अकॉर्डिंगली प्राइस एक्शन के आप लोगों को ट्रेड करना है, दैट्स इट। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर आप लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिए गाइस। चलिए फिर शुरू करेंगे कल के दिन के लिए 3 कॉल्स के लिए। तो वोल्टास की पहली कॉल रहेगी 1031 के ऊपर हम लोग बाय करेंगे, 1020 का स्टॉप लॉस रहेगा। बाय का एंट्री और स्टॉप लॉस का एंट्री गाइस आप लोगों का कैंडल क्लोजिंग बेसिस पे, मैं टाइम फ्रेम यूज करता हूँ 5 मिनट का, अच्छी होती है आप लोग भी यूज कर सकते हो। 1035, 1039, 1044 अपसाइड के लेवल्स रहेंगे। इन केस बाइंग नहीं आती तो 1020 के नीचे हम लोग इसे सेल कर सकते हैं, 1031 स्टॉप लॉस रहेगा। 1017, 1013, 1010 आपके लिए डाउनसाइड के लेवल्स रहेंगे। तीसरी कॉल रही, आई मीन सेकेंड कॉल रहेगी गाइज मेरी, वो रहेगी कमिंस इंडिया की। कमिंस इंडिया को आप लोग बाय कर सकते हैं 852 के ऊपर, 840 स्टॉप लॉस रहेगा आपका, 856, 860 और 865 आपके अपसाइड में लेवल्स रहेंगे। जैसे आप लोग प्रॉफिट में आना शुरू कर दिए गाइज स्टॉप लॉस को ट्रेलिंग पर रख लीजिए, ताकि अगर ट्रेंड रिवर्सल होता है तो आप लोग को मिनिमम प्रॉफिट जो है वो मिल सके, और अगर ट्रेंड कंटिन्यूशन होता है तो फिर मैक्सिमम प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटीज बनी रहे सेम ट्रेड में। अगर कमिंस इंडिया में बाइंग नहीं आती तो 840 के नीचे हम लोग इसे सेल करेंगे, 852 हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, 837, 834 और 830 हमारे डाउनसाइड के लेवल्स रहेंगे। थर्ड कॉल रहेगी गाइज HDFC बैंक की। जैसे कि HDFC बैंक का नाम ले रहा हूँ गाइज मैं, आप लोग को इन्हीं लेवल्स पे ध्यान रखना है, क्योंकि ये बैंक जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर भी, आई मीन मैक्सिमम टाइम पे बैंक निफ्टी पे। तो गाइज आप लोग को इस पे ऊपर ध्यान रखना है, अगर ये गिर रहा है तो प्रोबेबिलिटीज़ है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि बैंक निफ्टी भी गिरेगा इसके साथ में, लेकिन प्रोबेबिलिटीज़ बन जाती है। अगर ये गेन कर रहा है तो भी प्रोबेबिलिटीज़ बन जाती है कि बैंक निफ्टी भी गेन करेगा। तो HDFC बैंक को हम लोग बाई कर सकते हैं 1448 के ऊपर, 1439 हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, 1452, 58 और 64 हमारे अपसाइड में लेवल्स रहेंगे। इनकेस बाइंग नहीं आती है तो 1439 के नीचे हम लोग इसे सेल कर सकते हैं, 35, 32 और 29 आप लोगों के लिए डाउन साइड में लेवल्स रहेंगे, 1449 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। इसके बाद में हम लोग देखेंगे गाइज अभी निफ्टी के लेवल्स। उससे पहले गाइज अगर आप लोग बैंक निफ्टी और निफ्टी ऑप्शन में इंटरेस्ट रखते हैं और मेरी प्रीमियम सर्विसेज को फ्री ऑफ कॉस्ट में एंजॉय करना चाहते हैं, जिसकी एक्यूरेसी आप लोग मेरे यूट्यूब कॉल्स को देख करके या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप को देख करके लगा सकते हैं कि क्या हो सकती है। अगर सारी सर्विसेज को आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में एंजॉय करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने LIS Blue का अकाउंट ओपनिंग लिंक दिया हुआ है। अकाउंट ओपनिंग बिल्कुल फ्री है गाइस, कोई चार्ज नहीं इसका। वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट वाला अकाउंट ओपन करके आप लोग मुझसे प्रीमियम सर्विसेज में फ्री ऑफ कॉस्ट में जोड़ सकते हैं गाइस।
और अगर आप लोग मुझे टेलीग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं कर रहे तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा टेलीग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं ऑप्शन बाइंग के साथ में स्टॉक्स इक्विटी में जो भी कुछ मुझे अच्छे स्टॉक्स लगते हैं वो आपके लिए रिकमेंड करते रहता हूँ। साथ में अगर बैंक निफ्टी और निफ्टी के लेवल्स में ओआई की बेसिस पे कुछ भी चेंजेस होते हैं तो वो भी मैं वहाँ पे आप लोगों के लिए अपडेट करता रहता हूँ, उसके बेनिफिट्स आप लोगों को मिल जाएंगे। तो गाइज ये है निफ्टी का चार्ट, निफ्टी का फ्यूचर का चार्ट है ये, सारे लेवल्स को फ्यूचर पे ही अप्लाई कर लीजिए, स्पॉट के चार्ट पे ये लेवल्स काम नहीं करेंगे। 15,680 के ऊपर निफ्टी बुलिश हो जाएगी, 15,710, 15,741, 15,773, 15,818 आपके लिए अपसाइड के लेवल्स रहेंगे। इनकेस बाइंग नहीं आती तो 15,600 के नीचे निफ्टी बियरिश हो जाएगी, 15,576, 15,545, 15,514 और 15,471 आपके लिए डाउनसाइड में लेवल्स रहेंगे। हमें हम देखेंगे जो भी निफ्टी के लेवल्स रहेंगे, बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स हैं उनकी तरफ। तो गाइज बैंक निफ्टी जो है इसका भी ये फ्यूचर का चार्ट है, 34,670 के ऊपर बैंक निफ्टी बुलिश हो जाएगी, 34,756, 34,843, 34,930, 35,054 अपसाइड के लेवल्स रहेंगे। इन केस बाइंग नहीं आएगी तो 34,430 के नीचे हम लोग इसे सेल कर सकते हैं, 34,356, 34,267, 34,181 और 34,058 आपके लिए डाउनसाइड में लेवल्स रहेंगे। जैसे कि मैंने आप लोग को कहा गाइस कि हो सकता है एक्सपायरी वाले दिन एक्सट्रीम वॉलीटिलिटी आ जाए या फिर मार्केट साइडवेज हो चला जाए, तो मैं तो अवॉइड करने वाला हूँ ऑप्शंस को एक दिन के लिए। अब डिसीजन आपके हाथ में है कि आप लोग को क्या करना है। अगर ट्रेड कर भी रहे हो तो छोटी क्वांटिटी के साथ में ट्रेड कीजिए और सेफली ट्रेड कीजिए, जो भी मैंने आप लोगों को लेवल दिए इनके साथ में। लेवल्स के बियॉन्ड भाग के नहीं जाने वाला है ये, तो इन्हीं लेवल्स को चाहे गैप अप ओपन हो चाहे गैप डाउन ओपन हो, इन्हीं लेवल्स को आप लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पर यूज़ करके सेफली ट्रेड कीजिए, छोटे क्वांटिटी में ट्रेड कीजिए एक दिन के लिए। साथ में मैंने आप लोगों को कॉल्स भी देके रखे हुए हैं, स्टॉक्स भी दिए हैं तीन, जिसके भी मैंने आपको अपसाइड और डाउनसाइड के लेवल्स दिए हैं। तो मैं तो आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग स्टॉक्स के साथ में ही ट्रेड करें एक दिन के लिए, फिर बाद में फ्राइडे के दिन जैसे ही न्यू वीक स्टार्ट हो जाएगा हमारा बैंक निफ्टी और निफ्टी ऑप्शंस में, तब हम लोग ऑप्शंस की तरफ एनालिसिस के हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। ओके गाइस, तो ये थे मेरे बेहतरीन तीन कॉल। साथ में मैंने आप लोगों को जो भी मेरे बैंक निफ्टी और निफ्टी के लेवल से मैजिकल लेवल जिन्हें मैं कहता हूँ वो भी आप लोगों को देकर रखे हुए हैं, जिन पे मैं खुद ट्रेड करता हूँ। इनके साथ में आप लोग सेफली ट्रेड कीजिए। थैंक यू सो मच।